हेलो हेलो जी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। वैसे अभी मेरे मन में एक बात टेगर करी कि आप लोग सोचते ही होंगे कितना बेशरम, कितना निहायत ही गिरा हुआ इंसान है जो बार बार झूठी कमिटमेंट करता है रेगुलर ब्लॉग्स बनाने की और फिर गायब हो जाता है महीनों के लिए और महीनों भर बाद आवाज आती है। हेलो हेलो जी, अरे कितना मतलब इंटेलिजेंट होना, मैं लोगों के दिल की बात पढ़ लेता हूँ। होता क्या है ना दोस्तों, जो मिडिल क्लास लड़का होता है वो या तो अपने पैशन को फॉलो करके कुछ बन ही जाता है या फिर अपने पैशन को साइड में रख के घर की जिम्मेदारियों पे ध्यान देता है। तो मैंने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करा ताकि जब थोड़ा मामला लेवल पे आ जाए तब फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। चलो अब पुरानी बातों पर मिट्टी डाल के करते हैं एक नए अटेम्प्ट की शुरुआत और होपफुली इस टाइम रिस्पॉन्स भी आप लोगों की तरफ से अच्छा ही मिले। वैसे मैं कई टाइम से सोच रहा था कि करी जाए फिर से व्लॉग की शुरुआत, पर वो कहते हैं ना कि जब सही टाइम आना होता है तब ही आप कोई काम कर पाते हो, और सबर का फल मीठा भी होता है एंड आई लव मीठा दोस्तों, खाने वाला मीठा, समझे हो। और कहते हैं ना टाइम के साथ लाइफ में आ जाते हैं कई सारे चेंजेस, वैसे ही आपके भाई के लाइफ में आ गए हैं बहुत सारे चेंजेस। जैसे पहले अपन थे लाला, अपने इंग्लिश में बोले तो सेल्फ एम्प्लॉयड, अभी कर रहे हैं किसी लाला की नौकरी एक एमएनसी में, और आज उस कंपनी की है पार्टी, एनुअल पार्टी, तो आप लोगों को भी लेके चलूंगा और वहां पे करेंगे फुल धमाल और मचाएंगे गन गन गन। तो भाई होगी है शाम क्या मतलब दिन हो रही है, अभी 3 बज रहे हैं और 5 बजे तक मुझे पहुंचना है गुड़गांव। और आज का सबसे बड़ा चैलेंज है कि पहनना क्या है, क्योंकि चाहे आपके पास हजारों कपड़े पड़े हो पर कभी बाहर जाना हो, कहीं किसी ओकेजन में जाना हो तो कभी समझ नहीं आता कि पहने क्या। ये देखो भाई लोग, जैसा कि मैं कह रहा था कपड़े चाहे जितने मर्जी आपके पास पड़े हो पर कभी जाना हो तो समझ नहीं आता पहनना क्या है। बाकी फिलहाल अभी 3 ऑप्शन हमने उठाए हैं, और पहला है ये ब्लैक, दूसरा है ये रेड एंड वाइट, और ये है वाइट एंड ब्लू। तो ब्लैक को तो मेरे ख्याल थोड़ा साइड ही कर देते हैं क्योंकि बाहर हो रही है चटक वाली गर्मी, और बच्चा रेड और ब्लू। तो रेड में होने का तो वैसे ये दोनों ही ओवर साइज्ड हैं, पर इसको पहनने के बाद ये बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही ओवर साइज लग रही है, मतलब महंगी हुई लग रही है। और अब बची ये, तो अब फाइनल यही करते हैं, और इसी के साथ ही अपनी एक्सेसरीज भी देख लेते हैं कि क्या क्या कैरी करना है। वैसे कैरी करने वाला और कुछ इसमें खास तो है नहीं, एक वॉच पकड़ लेते हैं, पर वॉच कौन सी, ब्राउन या ब्लू? वैसे अपना आज का पूरा गेटअप पूरा भी नहीं, वैसे व्हाइट एंड ब्लू का अपना जो है कॉम्बिनेशन है, तो आई बिलीव ये ब्लू वाली इसमें ज्यादा मैच करेगी, पर पूरा ब्लू भी मतलब राजू रंगीला टाइप हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा क्लासिक हो इस करके अपन ये ब्राउन वाली लेते हैं आज। चलो पूरी मोरी मैया, ऐसे कैसे चलेगा काम, भाई साहब पूरी गाड़ी ऐसे तप रही है जैसे आग की भट्टी में खड़ी कर रखी हो। भाई लोग पहुंच गए अपन गुड़गांव, और थोड़ा सा ही बस रह रहा है अपना जो डेस्टिनेशन है, जो वेन्यू है स्टेलर रिसोर्ट्स, तो 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैक्सिमम, फिर अपना करते हैं धमाल। तो इट्स अ नेक्स्ट डे दोस्तों, संडे है आज। अभी जो आपने पीछे देखी क्लिप्स वो भी अपनी कल की पार्टी की, तो कमेंट में अगर बताना चाहो तो बता सकते हो कि कैसी लगी। हाँ थोड़ी कम क्लिप्स थी, थोड़ा कम वहाँ पे मैंने वीडियो वगैरह बनाई थी क्योंकि टाइम और सिचुएशन को देखते हुए कंट्रोल करना पड़ता है, और हर चीज़ें भी उसमें दिखा नहीं सकते क्योंकि छोटे बड़े अपने फैमिली वाले सब देखते हैं, समझ रहे हो। तो आज मदर्स डे भी है और सोच रहा हूँ कुछ छोटा सा एक सेलिब्रेशन कर लेते हैं, जब कहीं मदर्स डे के लिए केक वेक ला के काट लेते हैं। देखो होता क्या है कि आप पैसा आपका चला जाए आप फिर कमा लोगे, ठीक है, घर चला जाए आप फिर बना लोगे, पर अगर माँ बाप चले जाए तो वो आप वापस नहीं ला सकते हो। तो इसीलिए हर मोमेंट एंजॉय करो अपने पेरेंट्स के साथ, और उन्हें फील कराओ कि आप उनसे कितना
प्यार करते हो, कितना प्रेम करते हो, कितनी मोहब्बत करते हो। आप चलते हैं और केक शेक लाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आज अपना ऑफिस भी है। क्या करे भाई, वो पापी पेट के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। तो भाई लोग केक तो मैं ले आया हूँ, पर एक दो ही डिजाइन वहाँ पे थे जो कि रिपीट हो रहे थे। पर कोई नहीं, अपना केक भी प्यारा सा, छोटा सा, क्यूट सा है, तो वो अब चलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं मदर्स डे। ऐसी रही अपनी मदर्स डे की सेलिब्रेशन, और अब हो गया अपना लॉगिन करने का टाइम, तो इस व्लॉग को यहीं पर ही करते हैं। एंड वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो में हो सके तो कमेंट करके बताना जरूर कि क्या आपको अच्छा लगा। जैसे जैसे आप वीडियोस को जितना लाइक करते हो, जितने कमेंट्स करते हो, हमें भी पता चलता है कि भाई क्या कमी पेशी है या फिर किस टाइप का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो उससे और मोटिवेशन मिलती है कि और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाएं। और अपने कुछ ट्रैवल प्लान्स भी बने हुए हैं, कुछ हसीन वादियों में आपको घुमाने का विचार है, उसके साथ ही कुछ संडे राइड्स भी आप स्टार्ट करेंगे फिर से। 2 साल से संडे राइड्स बंद है मेरी, अब जल्दी से सारे प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। उसी के साथ ही आप भी लाइक करते रहो वीडियो को, सब्सक्राइब करते रहो और करवाते रहो चैनल को, तो उससे मैं भी मोटिवेट रहूंगा, आपको भी अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही करते हैं एंड मिलते हैं फिर एक अच्छी सी वीडियो में संडे को। इस बार तक का संडे को मिलेंगे, ये नहीं कि संडे पढ़ के फिर 1-2 साल बाद आऊं हेलो हेलो जी करते हुए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, फिर मिलेंगे चलते चलते।